शब्द सार गुप्त या गुप्ता। मेरे पिताजी के एक दोस्त हुआ करते थे रवि पाल गुप्ता। तब हम इतना ज्यादा नहीं जानते थे, मगर ये पता था कि ये बनिया समाज से हैं, बनिया कम्युनिटी से हैं। मगर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त रहे, क्योंकि हमारे व्यापार ठीक ठाक रहते थे और सभी से मिलना जुलना भाईचारा बहुत बढ़िया था। हमारे घर अक्सर आया जाया करते थे और हमारे घर का खाना उन्हें बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज वगैरह सब होते थे और बड़ा स्पष्ट और बड़ा स्वादिष्ट खाना होता था। जब भी आते थे, खाने के टाइम पे आते थे, उनको पिताजी खाना खिलाते थे और वो बड़े प्यार से खाना खाते थे और धन्यवाद भी करते थे। गुप्ता शब्द कहाँ से आया, क्योंकि मुझे कई बार डाउट हुआ कि ये गुप्ता जो लोग हैं कैसे आए। मैंने बहुत लोगों से पूछा मगर बताया नहीं। पाली पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि जो गुप्त शब्द है वो बेसिकली संस्कृत भाषा का है। जो ओरिजिनल पाली भाषा का शब्द है वो है गुप्त। गुप्त माने होता है रक्षा यानी संरक्षित करना या गार्ड करना, किसी चीज की सुरक्षा करना, रक्षित करना, संरक्षित करना या गार्ड करना। और जो गुत्ता होता है ये उसका बहुवचन होता है, यानी बहुत सारे गार्ड। जो गुप्त कक्ष होता है इसका मतलब गार्डेड कक्ष हो गया, संरक्षित हो गया, सुरक्षित कक्ष हो गया, उसको गुप्त कक्ष या गुप्त कक्ष या गुप्त कक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार जो गुप्त दरवाजे होते हैं उनको गुप्त दरवाजे बोलते हैं, जो घर के अंदर किले के अंदर बनाए जाते हैं, जहां से आप गार्डेड होकर निकल सकते हैं, उनको गुप्त दरवाजे बोले गए हैं। या गुप्त द्वार यानी गुप्त द्वार उनको बोला गया है। तो ये गुप्त जो है शब्द ये गुप्त से है। आप अगर चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ये संस्कृत भाषा का नाम है। पाली भाषा में ओरिजिनल नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद माने हो गया जो चांद होता है, गुप्त माने हो गया गार्ड, संरक्षक, आरक्षित यानी देश को रक्षा करने वाला गार्ड, और मौर्य हो गया जो मोर वंश से आए हुए हैं, उनका जो मोर उनका गोत है, उनकी लाइनेज है, जो उनकी फैमिली की एज है। समुद्रगुप्त मौर्य यानी कि पूरा नाम है समुद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य को बोलेंगे समुद्रगुप्त मौर्य। तो गुप्त माने यहाँ जो होता है वो गार्ड माने, संरक्षित माने, जिसको गार्ड किया जाता है, जो करता है, इसको आरक्षक बोलते हैं। आरक्षक का मतलब जो रक्षा करने वाला होता है, जिसको बाद की भाषा में चौकीदार करके बोला गया, उसको गुप्त बोल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा है। जितने भी भारत के अंदर पुराने गुप्त या गुप्ता लोग रहे हैं वो भारत के सारे बुद्ध के समय के, बुद्ध की भाषा को जानने वाले, बुद्ध के अनुयायी और बुद्ध की जितनी शिक्षा है उसका लाभ उठाने वाले, कह सकते हैं धम्मिक लोग रहे हैं। और आप अगर देखेंगे, ध्यान से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुप्त जो शब्द है वही दरअसल बाद में गुप्त बना। धन्यवाद।